नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की एक बहुत ही मनपसंद रेसिपी, जो है पेप्सी कैंडी। आपको ये पेप्सी कैंडी बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जो 5 से 10 रुपए के बीच में मिलती है। पर वो हाइजीनिक नहीं होती है, वो अनहाइजीनिक होती है, जिससे खाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी पेप्सी कैंडी को घर पर बनाए और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। दोस्तों, पेप्सी कैंडी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 4 फूड कलर है विद एसेंस है ये, और एक छोटा सा ये ट्यूब लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने गैस पे भगोना रख दिया है। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और हम इसमें डालेंगे 2 कप के लगभग पानी। हम इसे लगातार चलाते हुए, हमें इस चीनी घुलने तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। हमें इसकी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें जस्ट इसका एक शुगर सिरप बनाना है बस। देखिए, चीनी पूरी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। नींबू का रस हमने इसलिए डाला है क्योंकि नींबू के रस डालने से जो चीनी ठंडी होने पर जो इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे अब ठंडा होने देते हैं। देखिए, मैंने चाशनी को ठंडा करके इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया है, क्योंकि मुझे 4 कलर की पेप्सी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने लिया ये ऑरेंज कलर और 4 से 5 बूंद हम एक ड्रॉपर की सहायता से ऑरेंज कलर लेंगे और इसमें डाल देंगे। हम ड्रॉपर को एक बार फिर से धो लेंगे, इसे अच्छे से मिला देते हैं। ड्रॉपर और चम्मच दोनों को हम एक बार फिर से धो लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पे लेमन कलर। लेमन कलर भी हम 4 से 5 बूंद लेंगे और हम इसमें से मिला देंगे। अब हम लेंगे ये काला खट्टा, इससे भी लगभग हम उतना ही लेंगे। अब इसे भी हम चम्मच की सहायता से मिला देते हैं। अब हम लेंगे ये ब्लू कलर, हम ध्यान रखें कि ड्रॉपर को हम अच्छी तरह से धो ले, नहीं तो कलर सारे मिक्स हो जाएंगे। इसे भी हम चम्मच की तरह से मिला लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कलर के सिरप तैयार हो चुके हैं। हम इसे पाउच में भरते हैं। दोस्तों, पेप्सी कोला बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये ऑनलाइन मंगाया था पाउच। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बहुत बड़ा रोल है। आप इससे पूरी गर्मी आप इससे बना के बच्चों को खिला सकते हैं। और मैंने इससे इतने बड़ी बड़ी ये स्ट्रिप्स काट ली है और इसे मैंने एक तरफ से लॉक कर दिया है, मैंने इसे सील कर दिया है मोमबत्ती की सहायता से। तो इस तरह से मैंने अभी कुछ स्ट्रिप्स काट के रखा हुआ है। तो इसमें हम अपने शरबत को भरेंगे। देखिए, मैंने एक पाउच ले लिया है और एक छोटे से बर्तन में मैंने ये शरबत को डाल दिया है। हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पाउच के अंदर हम इस इससे हम पूरी तरह से नहीं भरेंगे, बस इतना ही भरेंगे और इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके हम इसे मोमबत्ती की सहायता से लॉक कर देंगे। देखिए, मैंने एक मोमबत्ती जला लिया है। हम इसे इस पाउच को ऐसे फोल्ड कर देंगे और हम इसे मोमबत्ती की सहायता से बस हल्के हल्के ऐसे दिखा के इसे हाथों से दबा देंगे। और देखिए, हमारा पाउच बिल्कुल सील हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी कैंडी को तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इतनी सारी कैंडी के पाउच बना के तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं इसे मैंने दोनों तरफ सील कर दिया है। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे।
देखिए 7 घंटे बाद मैंने इसे फिर से निकाल लिया दोस्तों, और आप देख सकते हैं हमारी कैंडी बहुत अच्छे से बनकर तैयार है और ये बहुत ही हाइजीनिक है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप चाहे तो इसे फ्रूट से भी बना सकते हैं, आप चाहे तरबूज के जूस से, आम के पल्प से भी बना सकते हैं, और मैंने इसे फूड कलर से ही बनाया, ये भी वो भी हाइजीनिक ही है। तो आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा, आपको इस रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।